भाई वो मामा ये ग्रेनी देखो, तो भाई इससे तो हमें बचना है ठीक है, और यहाँ से बहुत आसानी से आराम आराम से निकलना है भाई, क्योंकि गाइस इसने अगर देख लिया ना भाई ये बहुत ज़्यादा मारती है, इसके हाथ में एक लट होता है उसमें कील लगी होती है भाई, बहुत तेज़ मारती है। तो गाइस ग्रेनी तो चली गई है ऊपर, अभी गाइस मैं देखता हूँ कोई और रास्ता, तो ये देख रहे इस वाले दरवाजे से चलते खोल के इस गेट में चलते हैं भाई, इस कमरे में क्या सीन है। तो यहाँ से गाइस हम जा रहे हैं अंदर, देखते हैं भाई यहाँ पर तो गाइस काफ़ी चीज़ें हैं, ये भाई कोई ना कोई भाई किचन विचन भी है भाई यहाँ पर। तो अभी गाइस मैं पहले गेट बंद कर देता हूँ ताकि भाई ग्रेनी ना आ जाए, और गाइस अभी मैं क्या करूँगा यहाँ से दूसरा डोर ओपन करता हूँ और इसमें देखता हूँ गाइस क्या सीन है। तो यहाँ पर गाइस जो है ये तो बेडरूम है भाई, बेडरूम है और बेडरूम का भी गेट लगा देते हैं ताकि ग्रेनी ना आए। और गाइस यहाँ पर जो है अभी गाइस बस मुझे एक बात का ही ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है मुझे जाना है बाहर और यहाँ से कुछ भी चीज़ नहीं गिरनी चाहिए, और कुछ मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ मिल जाए ताकि मुझे आसानी हो जाने में बाहर। तो इसलिए मैं भाई दराज को जो है देख रहा हूँ खोल खोल कर, कोई ना कोई दराज में कोई ऐसा आइटम मिल जाए ताकि मैं बाहर जा सकूँ। तो यहाँ पर गाइस सभी दराजे खाली मिल रही हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो अभी गाइस मैं क्या करूँगा, गाइस कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना भाई, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। तो गाइस मैं देख रहा हूँ बाहर जाने के लिए रास्ता, और मामा ओ भाई लैंप गिर गई यार, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी मामा। तो भाई जल्दी से मैं अपने टेबल के नीचे दुबक चुका हूँ, क्योंकि गाइस इसमें लिखा हुआ था कि अगर कुछ भी गिरता है तो भाई ग्रेनी आ जाएगी, उसको सब सुनाई देता है। तो गाइस मैं इसी डर की वजह से, ओए वाकई में भाई ग्रेनी आ गई है, तो सच में भाई मैं जैसे बता रहा था ना इसका हाथ में एक लट होता है और भाई उसमें कील गड़ी होती है भाई, इसने हमारे खोपड़ी में मार देना, अभी भी लाल सुरख हो रहा है भाई जैसे अभी तीन चार को मार के आ रही हो। लेकिन गाइस मुझे दुब के ही रहना है जब तक ये ग्रेनी नहीं चली जाती। तो गाइस यहाँ पर ग्रेनी अभी खड़ी है, गाइस ग्रेनी जा रही है भाई, चली जा तू, क्योंकि तुझे सुनाई चली गई थी मुझे पता है, इसलिए ही मैं इस टेबल के नीचे यानी ये जो बेड है अपना, जो बेड के नीचे दुबक चुका था। तो अभी यहाँ से मैं देख रहा हूँ गाइस कुछ ग्रेनी तो लगभग मुझे लग रहा है चली गई है बाहर, चलो आराम आराम से चल के देखते हैं। लेकिन भाई इसका भी चलने की आवाज़ आ रही है, मतलब दोहरे नीड़े ही है, चलो फिर भी देखते हैं भाई यहाँ से जाके, कुछ ना पता भाई चली गई हो। तो यहाँ से गाइस मैं देखता हूँ बाहर निकल के हल्के से, तो यहाँ से ग्रेनी नहीं है भाई, हाँ ग्रेनी चली गई भाई, ग्रेनी चली गई है। तो मैं दूसरे, वैसे भी मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ भाई यहाँ पे, तो यहाँ से कहा है रास्ता निकलने का। ये तो भाई हैम्बर मांग रहा है, ठीक है हैम्बर हथौड़ी चाहिए भाई यहाँ पे इसको ठोकने के लिए, मतलब ये जो प्लाई बोर्ड लगा हुआ है इसको निकालने के लिए हथौड़ी चाहिए। तो हमारे पास हथौड़ी है नहीं, तो हथौड़ी भी हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं कुछ ढूंढने के लिए ही जा रहा हूँ इधर, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, देखते इसके अंदर चल के यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए ताकि मैं उसको जो देख लूँ। ये वही वाला रूम है जिसमें मैं पहला आ गया था, ठीक है। तो अभी गाइस मैं देख रहा हूँ क्या सीन है, फ्रिज भी रखा हुआ है भाई, कुछ ना पता भाई फ्रिज में कुछ खाने पीने का आइटम हो भाई, बहुत तेज़ भूख भी लगी है। लेकिन यार भाई ये भी खाली है बिल्कुल, इसमें भी कुछ नहीं है। तो मैं गाइस क्या करूँगा इसको बंद कर देते हैं, वरना ग्रेनी देखेगी भाई कोई ना कोई आया था इधर। गाइस उधर मुझे कुछ जलता हुआ नज़र सा आ रहा है, देखो तीन तीन जगह, तो चलो उनके पास देखते गाइस ये क्या जल रहा है, आखिर क्या सीन है यहाँ पर, कुछ मिल जाए भाई हैम्बर वगैरह मिल जाए, ताकि भाई वो जो ऑप्शन था ना वो खुलने का शायद वो रास्ता हो सकता है जाने का। तो अभी गाइस मैं क्या करूँगा कुछ और चीज़ ढूंढ लेते, ये क्या चीज़ है भाई, ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पंखी वंखा दिखे भाई, ये जो रखा है साइड में पंखा वंखा दिखे भाई, क्या है इंजन है, अच्छा अपने हाथ में आ गया, क्या था ये क्या चीज़ है भाई, चलो इसको ले कर चलते हैं भाई, इसमें क्या है पंखा देखते हैं। ग्रेनी के ना जा, अरे मामा यहाँ पे ग्रेनी आ गई भाई, भाग बेटा भाग, पीछे लग गए मेरे भाई ग्रेनी, बाद भागना पड़ेगा वरना भाई मार देगी जान से, जल्दी जल्दी भागो 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 भागो, अरे जल्दी 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 जल्दी, अरे यार उसकी बहन की ग्रेनी भाई, गेट वेट तो मैंने लगा दिया मगर साली ग्रेनी भाई अंदर ही घुस गई, और ये हमारा लट हाँ भाई ख़त्म कर दिया भाई इसने। तो कहीं कोई नहीं भाई, तुम्हारा भाई दोबारा से नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, एंड यहाँ से भी हम जा रहे हैं दोबारा भाई, दोबारा ट्राई करेंगे ठीक है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए, बहुत टाइम हो चुका है, एंड गाइस हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस साले भूतिया हाउस में, और इस ग्रेनी ने भाई हमें इस अंदर कमरे के अंदर डाल दिया है, साला दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं हमें क्या, हमने क्या दुश्मनी करी थी भाई हमने इससे, कुछ नहीं भाई हम तो कभी मिले भी नहीं, पता नहीं यार क्या दुश्मनी निकाल रही है हमसे यार, कुछ नहीं भाई क्या करें हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ पर मैं ढूंढ रहा हूँ भाई आपके हैम्बर वेम्बर ढूंढ रहा हूँ भाई, हैम्बर वेम्बर मिल जाए यार यहाँ पर रखी हुई, क्योंकि पिछली बार हैम्बर होती थी ना मैं निकल सकता था वहाँ से, रास्ता था वो एक जाने का, लेकिन भाई हैम्बर नहीं थी मेरे पास, इसलिए गाइस मैं ढूंढ रहा हूँ हैम्बर वगैरह मिल जाए मुझे, तो मैं मिल जाएगी ना भाई, तो मैं उस वाले ऑप्शन पर जरूर जाऊँगा ठीक है, अगर मुझे करंट हैम्बर मिल गई तो। तो यार हैम्बर इस दराज में तो है नहीं भाई,
यहाँ पर कहीं भी हैम्बर वैम्बर मुझे नज़र सी नहीं आ रही है, बेड वेड पे भी नहीं है हैम्बर। तो गाइस क्या करेंगे भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, हैम्बर तो हमें नहीं मिल रही। चलो फटाक से अपनी की हुई चाबी उतार लेते हैं, ऊपर चाबी रखी हुई है तो चाबी तो हम उतार लेंगे ठीक है, पंखा चला के। तो चाबी को उतारने के लिए भाई पंखा चलेगा ठीक है, तभी चाबी गिरेगी नीचे। तो अभी गाइस चाबी गिर चुकी है नीचे, अब हम उठाएंगे चाबी को और जाते हैं बाहर फिर से दोबारा। हमारा भाई दोबारा ट्राई करेगा भाई, यहाँ से हमें जाना ज़रूर है, क्योंकि गाइस हम कब तक रहेगा भाई इस भूतिया हवेली में, ना खाना है ना पीना है भाई। एंड ड्राइव ड्राइव ने आ जाओ, आवाज़ें भी निकाल रही है साली। तो भाई यहाँ से हम बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं और जाना है भाई, बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है। तो यहाँ से हम चलो चलते हैं भाई गेट के पास और गेट खोलते हैं, और गाइस गेट खोलने के बाद ही हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त बिठाएंगे बाहर जाने के लिए। तो अभी गाइस मैं गेट खोल लेता हूँ पहले, और उसके बाद ही हम कुछ सोचेंगे ठीक है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ से गाइस मैं गेट खोल चुका है अपना, और यहाँ से देखते हैं भाई ग्रेनी ब्रेनी तो नहीं है कहीं। ये खड़ी भाई देख मेरे ही रूम के आगे पीछे खड़ी रहती है हमेशा भाई, मेरी जान लेके ही मानेगी पक्का बता रहा हूँ भाई। तो यार यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा भाई, पहले इसको ही देखते हैं कहाँ पर पहुँची है अभी। तो अभी देख लेते हैं भाई कहाँ पर पहुँची है, गई भाई गई। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे, ग्रेनी को नहीं पता चला है। तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे और देखते हैं भाई ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पर क्या है भाई। डोर इज लॉक, लॉक लगा हुआ है भाई, चाबी तो है अपने पास, खुल क्यों नहीं रहा है फिर। आई बेडरूम है भैया, आई नीड है बेडरूम की, मतलब इसकी की चाबी दूसरी होगी, तो यहाँ से हमें दूसरी चाबी भी ढूंढनी पड़ेगी इसके लिए भाई। ये क्या है भाई, ये अलमारी थी, ये भी खाली है, कुछ नहीं है इसमें, अलमारी में भी नहीं है की भी अपना। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ बराबर वाले रूम में जाएंगे ठीक है, और यहाँ से ही देखते हैं क्या पंगा है, बराबर वाले रूम में देखते हैं भाई क्या है सीन। तो यहाँ से मैं जा रहा हूँ फिर से उसी रूम में जहाँ पर मुझे चाबियाँ मिली थी रखी हुई ठीक है, मैं उसी रूम में आ रहा हूँ भाई, क्योंकि यार मैं सो रहा हूँ वे उनमें से भाई चाबी है वे ठीक है, अगर वे मिल गई ना मुझे भाई मैं निकल सकता हूँ पक्का। तो अभी ये क्या है भाई, डस्टबिन गिर चुका है भाई, मुझे लग रहा है ग्रेनी आने वाली है बस। फिर यहाँ पर तो कुछ दुपकने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, हाँ को दुपकू ग्रेनी, बस मुझे लग रहा है भाई आने वाली है सच में, सच्ची बता रहा हूँ भाई ग्रेनी पक्का आने वाली है, क्योंकि भाई वो डस्टबिन गिर चुका है, और वैसे भी आवाज़ का सीन था तो आएगी ग्रेनी। देखो आ गई भाई पक्का, हम बोले थे ना ग्रेनी आ जाएगी, तो भाई सच में आ गई, मार दिया सर में लट हमारे, और गेम कर दिया आउट भाई। चलो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे गाइस।